महिलाओं को वापस रोजगार मुहैया कराने के लिए गहलोत सरकार ने जागृति बैक टू वर्क योजना शुरू की। इसके लिए सरकार ने जॉब्स फॉर हर फाउंडेशन के साथ एक एमओयू किया है। शुरुआत में सरकार इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर रही है। गहलोत सरकार उन महिलाओं के लिए जिनकी नौकरी कोरोना काल में चली गई है या शादी और अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण जिन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, उनके लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आई है। ऐसी ट्रेंड प्रोफेशनल्स को दोबारा जॉब दिलवाने और वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी देने के लिए जागृति बैक टू वर्क योजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें निजी क्षेत्र का भी सहयोग लिया जाएगा। आने वाले 3 साल में 15,000 महिलाओं को सरकार ने जॉब दिलाने का लक्ष्य रखा है। जॉब्स फॉर हर फाउंडेशन करके बैंगलोर की एक एनजीओ है, उसके साथ हमने ये पायलट प्रोजेक्ट किया है। वो सीएसआर के माध्यम से इसको वो फंडिंग कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम महिलाओं को इससे जोड़ सकें ताकि हमारी इस तरह की जो शिक्षित महिलाएं हैं जिनके टेक्निकल योग्यता है उनको हम वापस रोज़गार दिला पाएं। आवेदन के लिए पात्रता के बारे में भी आपको बता देते हैं। महिलाएं http://www.jagritibacktowork.org पर आवेदन कर सकती हैं। जॉब करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव हो, किसी कारणवश जॉब छोड़ दिया हो, राजस्थान में निवास करती हो। इस योजना के तहत कुछ कैटेगरीज को प्राथमिकता भी मिलेगी। इनमें विधवा, परित्यागता, तलाकशुदा, हिंसा से पीड़ित महिलाएं शामिल हैं। सरकार का प्रयास है कि ऐसी महिलाएं जो कि कार्यस्थल पर जाने में सक्षम नहीं हैं, उनको निजी क्षेत्र के सहयोग से घर पर ही काम उपलब्ध करवाया जाए, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। कोरोना काल में जिन महिलाओं ने जॉब छोड़ दिया है या जॉब से हटा दी गई, ऐसी महिलाओं को वापस रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार जागृति के माध्यम से बैक टू वर्क योजना लेकर आई है, जिसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद महिलाओं को सरकार रोजगार उपलब्ध करवाएगी ताकि उनका घर आसानी से चल सके। कैमरा पर्सन देव के साथ भरत राज, जी मीडिया, जयपुर। उधर चित्तौड़गढ़ जिले की राशमी थाना पुलिस ने कार्रवाई